लोकसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। एक तरफ पार्टी पर नेतृत्व का संकट मंडरा रहा है तो दूसरी तरफ राज्यों की कांग्रेस इकाई में भी खलबली मची हुई है। कर्नाटक और गोवा में तो सियासी घमासान है ही, वहीं मध्य प्रदेश पर भी बीजेपी की नजर है। बीजेपी की तरफ से ऐसे संकेत मिले हैं कि अब खतरा MP पर है, लेकिन वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के दावों को खारिज कर दिया है। कर्नाटक में कुमार स्वामी की सरकार पर अभी संकट चल ही रहा था कि तभी गोवा में बीजेपी ने सेंधमारी कर कांग्रेस के 10 विधायकों को अपने पाले में ले लिया। बीजेपी की स्थान दाम दंड भेद वाली इस नीति को देखकर ममता बनर्जी ने अंदेशा जताया था कि कहीं अब मध्य प्रदेश और राजस्थान की बारी तो नहीं। विपक्ष की इस आशंका के बीच अब मध्य प्रदेश में बीजेपी की तरफ से ऐसे संकेत मिलने लगे हैं कि अब अगला नंबर MP का है। दरअसल सरकार के भविष्य पर सवालिया निशान लगाते हुए बीजेपी के पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मेरे पास एक व्हाट्सएप आया है, गोवा के समंदर से मानसून उठा है, कर्नाटक होते हुए मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहा है, कुछ दिनों बाद मध्य प्रदेश का मौसम सुहाना होगा। यानी मैसेज के सहारे उन्होंने इशारों में बता दिया कि सूबे में कुछ भी हो सकता है। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी के दावों को खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि उनकी सरकार पर कोई खतरा नहीं। प्रदेश में खाद्य मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोई संकट नहीं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा है कि राज्य सरकार पर ना तो कोई खतरा था, न है और न रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। पिछले 7 महीने से बीजेपी जो सपने देख रही है वो कभी पूरा नहीं होने वाला। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है, मगर ये सपने कभी पूरे नहीं होंगे। वैसे कांग्रेस भले ही सरकार पर खतरा ना होने की बात कह रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी इस बात का डर सता रहा है। तभी तो सदन के अंदर खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने माना है कि एक मंत्री को 4 विधायकों की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 114 और बीजेपी को 109 सीटें मिली थी। अभी झाबुआ विधायक सांसद बन गए, इसलिए बीजेपी के 108 विधायक है। मोहम्मद का आंकड़ा 116 है। सरकार को 1 सपा, 2 BSP और 4 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।